हेलो बच्चों, साइंस फ्रॉम अंकुर वेला में एनसीईआरटी क्लास केमिस्ट्री क्लास 10th के चैप्टर 1 के जो एक्सरसाइजेस हम लोगों ने लास्ट सेशन में कंप्लीट करी थी, जो चैप्टर के बीच में थी, अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर एंड वाले एक्सरसाइजेस। ठीक है, चैप्टर 1 आपको पता ही है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करेंगे। और पहला क्वेश्चन है, इसमें से जो नीचे हुए स्टेटमेंट्स दिए होंगे उनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनमें जितनी भी चीज़ें पूछी जाती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिएक्टेंट साइड से डील करती हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड वालों से उनसे कोई मतलब नहीं होता है। देखो, पहला स्टेटमेंट है लेड इज़ गेटिंग रिड्यूस। लेड किधर आ रहा है? प्रोडक्ट साइड में, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट साइड में रहा, इसका भी कोई यूटिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। देखो, कार्बन है ऑक्सीडाइज का मतलब होता है एडिशन ऑफ व्हाट? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। सिमिलर बात करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया रिडक्शन। ठीक है, दो स्टेटमेंट तो हमारे गलत हो गए यहाँ पे, ये दोनों तो आंसर होंगे ही होंगे। नेक्स्ट है कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन किधर है? रिएक्टेड साइड में। ऑक्सीडाइज का मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है CO2। यस, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट है PbO, लेड ऑक्साइड, PbO इज गेटिंग रिड्यूस। रिड्यूस मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, एग्जैक्टली ये हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो ये दोनों आंसर हमारे हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe2O3 plus 2Al gives 2Al2O3 plus 2Fe। तो देखो क्या हो रहा है, Al ने Fe को रिप्लेस कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। तो ऑप्शन में इनमें से पूछा है किस चीज़ का एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल, नथिंग इन। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स, टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नीचे दिए होंगे, पहले हम इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। इसकी बैलेंस इक्वेशन होगी आपकी HCl plus Fe gives FeCl2 plus H2 gas। देखो Fe balanced है, Cl2 है, H2 है, तो यहाँ पर हम क्या करें, इस केस में इस जगह पर 2 लगा देते हैं, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन में है हाइड्रोजन गैस, आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस, खत्म बात, पहला ऑप्शन ही मिल गया। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपके पास डेफिनेशन बुक में मिल जाएगी, आप वहाँ से अपने आप नोट कर सकते हो, मैंने आपको पढ़ाया भी है। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। तो बैलेंस इसलिए है कि हमें यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स इधर और इधर दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन बैलेंस होगी, तभी ये इक्वेशन फ्रूटफुल होगी, एक आउटपुट मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमारे लिए यूजफुल होगा। ठीक, वो हम एक बैलेंस इक्वेशन से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। तो क्या करना है, जो स्टेटमेंट्स आएंगे उनकी पहले इक्वेशंस लिखनी है, और इक्वेशन लिखने के बाद हमको उनको बैलेंस करना है। सो हाइड्रोजन गैस, चलो H2 प्लस N2 गिव्स NH3, बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे N2 है, यहाँ पे N है, तो यहाँ पे क्या करें, 2 लिख देते हैं, 6 3, थोड़ा सा गलत हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका बैलेंस। चलो मैं देखता हूँ इसको इरेज करके, अगर ये इरेज हो गया, हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इनटू इन एयर टू गिव द वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी H2S प्लस O2 गिव्स H2O प्लस SO2। ठीक है, क्या करें यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, पहले तो इंक चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, इंक का ब्लू कलर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका, क्या बैलेंस करें, सबसे पहले SS बैलेंस है, H2 भी एक तरीके से बैलेंस है, तो अब बचा क्या, O2। यहाँ पे O2 है और यहाँ पे 3O है, यहाँ पे 2O है, यहाँ पे 3O है, क्या करें, इसको अगर हम यहाँ पे 3/2 लिख देते हैं, ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस्ड है। बट अब आप बोलोगे कि मैम ने तो कभी इस तरीके की कोई इक्वेशन बताई नहीं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उन्होंने जो बताया बिल्कुल सही बताया।
इसका ये एक एडिशनल मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइजेस के थ्रू ही बताना था। इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ नेक्स्ट दोबारा से लिख देते हैं, 2H2S हो जाएगा प्लस 3O2 हो जाएगा गिव्स 2H2O हो जाएगा प्लस 2SO2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, पॉज करके देख लेना, इक्वेशन बैलेंस्ड है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो हमारा क्या है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट हो गया Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स AlCl3, इट्स नॉट प्लस इट्स एरो गिव AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक है, बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो BaBa बैलेंस्ड है, Al यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पे Al1 है, तो क्या करेंगे, इस जगह पर Al को 2 कर देंगे। अभी Cl हो गया 6, वहाँ पर Cl2 है, तो वहाँ पे क्या करें, इस जगह पर हम ला के 3 कर देंगे, तो 6Cl हो गए। अब SO4 3 है, Ba भी 3 है, तो क्या करें, इस जगह पे जहाँ पे Ba लिखा हुआ है यहाँ पे हम 3 कर देंगे। इक्वेशन बैलेंस्ड। नेक्स्ट, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो रिएक्शन है हमारी, पोटेशियम प्लस रिएक्ट्स विद वाटर H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस। देखो बैलेंस्ड है कि नहीं है, K बैलेंस्ड है, O भी बैलेंस है, H2 यहाँ पर 2H, यहाँ पे 3 है, 1H यहाँ पर, 1H यहाँ पर, 2H यहाँ पर है, यहाँ पे 2, तो क्या करें बताओ। फिर से यहाँ पे 3H आ रहा है, तो OOO4H काम करते हैं, फिट एंड ट्रायल मेथड को ही यूज करते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर हम सबसे पहले इसको 2 करके चेक करते हैं, तो ये हो गया 2O2H H2। इस जगह पर अगर हम यहाँ पे H2O के पास में 2 लिख देते हैं और K हो जाएगा 2, तो ये बैलेंस्ड हो गई, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। देखो रिएक्शन में जो मैंने पहले बताया था, स्लाइड की प्रॉब्लम है, बाकी जैसा आप जानते हो सी ए कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये 2 यहाँ पर होना चाहिए था, CNO3 का होल्ड पर। ठीक है, तो देखो NO3 यहाँ पर 2 है, वहाँ पर NO3 1 है, तो सबसे पहले तो हम इसी को बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो गया 2H। अब वहाँ पर CA सेम है, NO3 भी बराबर हो गया H2O। अब आप चेक करो कि यहाँ पर H कितने हैं, 2 यहाँ पर है, 2 वहाँ पर है, और 2O वहाँ पर है, यानी 4H हो गए ना, तो इस वाले जो H2O लिखा हुआ है हमारा कहाँ लिखा है, कहाँ गया है, यहाँ पे हम 2H2 कर देंगे, ये हो जाए। नेक्स्ट, NaOH H2SO4 Na2SO4 H2O। इसमें क्या करो, पहले तो यहाँ पे Na2 है ना, तो इसको 2Na कर देंगे। अब देखो SO4 बैलेंस हो गया, 2O है, 2H है, 2H है, 4H यहाँ पर है और 2O यहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम 2 कर देते हैं तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, ये इक्वेशन इटसेल्फ बैलेंस्ड इक्वेशन है। BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl, यहाँ पे देखो सब कुछ सही है, Ba बेरियम है, Ba स्मॉल होना चाहिए था, Ba सेम है, SO4 बराबर है, Cl2 यहाँ पर है, H2 है, इस जगह पे अगर हम 2 लगा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट।